भिगो के बनाना है पानी में वैसे ज्यादा बनता है, एक कटोरी जो चावल है तो तीन कटोरी चावल है इसको कोदो कहते हैं, कोदो अच्छा इस ये चावल है अच्छा ये कोदो का चावल है और ये केवल कोदो कहलाएगा तो इसको चावल क्यों कहते हैं? ये कोदो का चावल है, ये कोदो अनाज है, अनाज है इसमें बचा हुआ, पूरा भाव बचा हुआ, क्या बचा हुआ है ये बताओ, अगली बैच का कूटन लिए बचा है, चावल का निकला हुआ अच्छा ये कूटने के बाद है, कूटने के बाद बचा हुआ यही फाइनल ये है, फाइनल चावल ये चावल नहीं लग रहा है। इसको चावल क्यों आप कहते हैं? हाँ। क्या कहे, ये चावल ऐसा तो नहीं है ना, ये पुदाई है, पुदाई। हाँ, पुदाई है, ये तो मैं समझ गया। हाँ। नहीं नहीं, इसको आप अनाज कह रहे हैं। हाँ, इसको चावल कह रहे हैं। अनाज कहने में इसमें दोनों में अंतर क्या है? अंतर है क्या है, ये छिलकेदार है। अच्छा, अभी इसमें छिलका है, इसमें छिलका है, आप जो देख रहे हैं इसमें ये छिलका है और इसको हम कोदो का अनाज है, अभी इसमें छिलका है और छिलके के बाद का जो कोदो है इसे इसे चावल कहते हैं। चावल है या कोदई? कोदई कोदई कोदई, ये ओरिजिनल ये ओरिजिनल अनाज है, कोदो ये। ये देखिए, ये अपने प्रारंभिक स्तर का कोदो है और उस कोदो से जब छिलका उतारा जाता है पहली लेयर का, तब वो ये है और उसके बाद जब ये तैयार होता है तो इसे ये कोदो चावल कहते हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से इस मशीन में ये जो निकल रहा है ये अनाज है, ये चावल मिला है, इसमें चावल मिला है, ये मिक्स निकल रहा है अभी, ये मिक्स है। तो इसका क्या करेंगे, फिर डालेंगे। कितनी बार में ये हो जाता है? चार पांच बार में कोदो का अनाज जो है वो कोदो चावल में कन्वर्ट हो जाता है। जरा उधर एक मिनट, ये कोदो चावल है, ये सावा है। हाँ, ये सावा है, इन्होंने बोया था, हमने बोए थे, हम कुटाए अपनी तरफ खाने के लिए। अच्छा अच्छा, ये 19 किलो लाए थे, 19 किलो में 11 किलो मतलब ये चावल, 6 किलो चावल बढ़िया वाला निकला और बाकी 5 किलो किनकी निकली। अच्छा, मतलब टूट जाता है ये चीज। 11 किलो में आपको 19 किलो में 19 किलो में 11 किलो आपको प्राप्त हुआ। इसका जो अनाज, ये अनाज वाला कहीं है? अनाज वाला तो नहीं है, इसको है, वो रखा है।
इसको क्या कहते हैं? सावा। चावल, ये चावल है सावा, सावा का चावल। ये आप देख रहे हैं, ये सावा है, सावा। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया, सावा का चावल है। सावा के चावल का मतलब ये है कि जब इसके ऊपर से छिलका उतार दिया गया है, और जिस तरह से आप धान से चावल निकालते हैं, उसी तरह से सावा के छिलके को हटाकर ये मुख्य रूप से सावा है, और जब उस पर छिलका होता है तब उसको ये लोग सावा का अनाज कहते हैं, कोदो अनाज कहते हैं। लेकिन जब उसमें छिलका नहीं रहता तो उसे कोदई और कोदो कहते हैं, चावल कहते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ये मेरे सामने काकुन नहीं है, काकुन कोदो का काम चल रहा है। कोदो से, कोदो के छिलके से निकाल कर कोदो चावल बनाया जा रहा है। और चावल का मतलब ये है कि छिलके के बिना जो कोदो है उसे ये कोदो चावल कहते हैं। ये सावा चावल है, मतलब जिससे छिलका निकाल दिया गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मशीन लगी है, जहाँ पर आप अपना अनाज तौलाते हैं, और उसके बाद ये मशीनें आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ मनीषे लगी है। आपको एक, ये क्या है? ये सावा है, नहीं सावा है, ये काकुन है, काकुन है। आपको मैं एक और दिखा रहा हूँ जिसे काकुन कहते हैं। ये कुटी नहीं है, ये काकुन है। आप इसको ध्यान से देखिए, ये काकुन है, और अभी इसे कूटा नहीं गया है। कूटना ना मतलब कि अभी इससे छिलका नहीं निकाला गया है। जब इसका छिलका निकाल दिया जाएगा तो ये भी काकुन चावल कहलाएगा। जैसे कोदो चावल, सावा चावल, ऐसे ये काकुन चावल है। अभी ये अपने प्राकृतिक अवस्था में है, और इन्हीं मशीनों के द्वारा जो मैंने आपको दिखाई उससे इसे कूट कर काकुन चावल तैयार किया जाएगा। जैसे ये तैयार किया गया चावल, हाँ, ये सब तैयार होता है। आप हमारे साथ देख रहे हैं, ये मशीनें हैं, और इन मशीनों के साथ ये डेस्टोनर, इस पे देखिए आप सामने सामने लिखे, हाँ, डेस्टोनर का काम क्या है? डेस्टोनर का काम है, चावल पहले अनाज सीधा निकाला जाता है, इधर तो खरहा अनाज चावल इधर आता है, और उधर चावल उधर जाता है, जिसे उनको वो छोटा डेस्टोनर है बना। ये अच्छा, ये बड़ा बड़ा डेस्टोनर है, ये वही काम करता है जो ये सामने आप देख रहे हैं। ये जैसे कोदो निकाला जा रहा है, कोदो के बीज छिलके के साथ डाले जाते हैं, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं कि जो कोदो छिलके के साथ हैं वो इधर आ रहे हैं, और जो कोदो बिल्कुल साफ हो गए हैं जो चावल के रूप में, वो पीछे की तरफ निकलते हैं। यह प्रक्रिया 3 से 4 बार तक चलाई जाती है, और उसके बाद साफ कोदो चावल जो आप ये देख रहे हैं, ये हमारे सामने है, ये तैयार होता है, ये बाजारों में भेजा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिस तरह से मोटे अनाज को लेकर पूरे विश्व का आह्वान किया है, क्योंकि आज जिस तरह से ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, शरीर के न जाने कितने रोग हैं, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन हो रहा है, उसमें जिस तरह से मोटे अनाज जो कल तक अमीरी गरीबी का अभिप्राय माने जाते थे, अब उनको स्वास्थ्य का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। और इसीलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग मोटे अनाज के बारे में जानें, समझें, और उसके आधार पर मोटे अनाज का उत्पादन करें। सरकार इसके लिए बहुत सी योजनाएं चला रही है, सरकार इसके लिए सब्सिडी दे रही है, और मज़ेदार बात यह है कि इन मोटे अनाजों से आप वह सब कुछ बना सकते हैं जो आप बाजारीकरण में, भूमंडलीकरण में आप देखते हैं। चाहे वह आप केक बनाना चाहते हो, चाहे बेकरी के बिस्किट बनाना चाहते हो, चाहे पास्ता बनाना चाहते हो, वह कोई भी ऐसी चीज़ जो आधुनिकता में हो सकती है, बन सकती है, आपके स्वाद को बढ़ा सकती है, वह सारी चीज़ें आप बना सकते हैं और उसका उत्पादन कर सकते हैं। आप जैसा देख रहे हैं कि हमारे सामने ये कोदो, काकुन, सावा, ये बोरियों में लगे हुए हैं, और ये वो सभी लोग हैं जो इसके उत्पादन कार्य के बाद उसको फाइनल टच, अंतिम परिणाम तक ले जाते हैं। मैंने इस छोटी सी जगह का
अध्ययन सिर्फ इसलिए किया है ताकि मैं भारत के नागरिकों तक इस बात को पहुंचा सकूं कि अगर स्वस्थ रहना है, अपने जीवन को बेहतर बनाना है और शरीर के उन तमाम रोगों से अपने को दूर ले जाना है जिसके कारण कम उम्र में ही हम बीमार पड़ रहे हैं, तो हमें इन मोटे अनाजों की ओर लौटना होगा और इन मोटे अनाजों के साथ अपने जीवन को देखना होगा। इसीलिए मैं डॉक्टर आलोक चांडिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन के लिए आज यहाँ पर हूँ। और मैं, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अजीत कुमार जी। मेरे साथ अजीत कुमार जी हैं। अजीत कुमार जी, यहाँ रोज कितने मोटे अनाज का जो आप ये शुद्धिकरण करते हैं वो हो जाता होगा? जी, हम रोज नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे क्षेत्र में मोटे अनाज को लोग ज़्यादा पहचान नहीं रहे हैं, इसलिए हम यानी जिस हिसाब से हमारे पास ऑर्डर होते हैं उस हिसाब से हम कुटाई करते हैं। अपने क्षेत्रीय बैठक जो हमारी होती है उसके लिए हम चावल तैयार करके रखते हैं। क्या कारण है कि लोग अभी मोटे अनाज की तरफ रुझान नहीं रख रहे हैं? क्या पैदावार यहाँ कम है या लोग ये अभी भी समझते हैं कि ये गरीबों का भोजन है और इससे हम लोगों का क्या लेना देना? क्या कारण है कि वो मोटे अनाज की ओर अभी नहीं आ रहे हैं? लोग मोटे अनाज को देखते हैं तो कहते हैं ये बहुत, पहले तो हमने बहुत खाया है, अब आते हैं तो बोलते हैं अब ये हम नहीं खाएंगे, जिसे ऐसा लगता है। मगर इसकी जो औपचारिकताएँ हैं जैसे पेट में गैस बनना, जिससे काकुन का चावल खाइए और स्वस्थ रहता है। अच्छा, काकुन के चावल खाने से गैस की समस्या कम हो जाती है? कम हो जाती है। अच्छा, काकुन आए सावक सावक, आप बताओ काकुन की तरह ही। अभी हमारे साथ, आपका शुभ नाम क्या है? राम प्रकाश। हमारे साथ राम प्रकाश जी हैं। क्या काकुन का भी कोई ऐसा उपयोग है जो गैस वगैरह के लिए फायदेमंद हो? काकुन से ज्यादा फायदा है सावा के चावल में। सावा के चावल में उसको जैसे डॉक्टर लोग बताते हैं कि जैसे क्या बोलते हैं, विटामिन सी विटामिन ए, तो डॉक्टर लोग जैसे पुराने जानते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आप सावा का चावल खाओ। तभी हम लोग मतलब जब से जुड़े हैं तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं बोने के लिए और जाते हैं गांव में, उसको प्रयास करते हैं बीज देने के लिए और बुवाते भी हैं। तो ये बीज कहाँ से आपको प्राप्त होता है? यही से प्राप्त होता है मोटा। अच्छा, इसी सेंटर से आप बीज देते हैं? पहले तो हम लोग आया था बंगलौर से आया था पहले, सुधा दीदी लाई थी। अच्छा, उन्होंने थोड़ा जैसे लाया एक कुंटल या डेढ़ कुंटल तो उसी से प्रचार हुआ। फिर उसके बाद में ये मशीन लग गई, मशीनों के लगने के बाद इसमें मोटा जितना बीज है मतलब निकाला जाता है वही बीज तैयार किया जाता है, बढ़िया जो बीज होता है उसको पैकिंग करके गांव में जब जमा लेते हैं, जमा जब हो जाता है तब वही बीज हम लोग वितरण करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राम कुमार है। तो राम कुमार जी, आपका क्या कहना है कि क्या मोटे अनाज से के लिए लोग क्यों नहीं ज़्यादा अभी सोच पा रहे हैं, जबकि वो आप देख रहे हैं विटामिन की प्रूव कर रहा है, ब्लड प्रेशर में अच्छा है, गैस में अच्छा है, तो भी क्यों नहीं, जबकि सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं और सरकार चाहती है कि लोग हमारे देश में स्वस्थ रहें, तो भी क्यों नहीं ऐसा हो रहा है कि वो इसकी ओर झुक रहे हैं? देखो, पुराना अनाज है तो पुराना अनाज अब बहुत कम खाद लोग हैं, खाद अब जैसे संगठन जितना जुड़ा है, संगठन धीरे धीरे खाए लग तो ऐसे प्रचार हो तो खा लगे, अभी बहुत कम खाते। मतलब आपका कहना है कि ये सब प्रक्रिया में धीरे धीरे होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। जब बीमारी अत्ती है, अब दवाई खा जी रहे हैं, हम कहते हैं दवाई कम खाए पर कि मोटा अनाज खाओ, पेट शुद्ध रहेगा, प्रभु के गुनगाओ, पेट शुद्ध रहेगा तो बीमारी कम पड़ेगी। चने के साथ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये आपके यहाँ महिलाएं भी इसमें लगी हुई हैं। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शांति। शांति जी, आप जब इस काम में लगी हैं और इस काम में देख रही हैं मोटा अनाज को, तो आपको क्या लगता है कि क्या मोटे अनाज से आपने अभी तक कोई उपयोग किया आपने इसका? उपयोग खूब करना है, बहुत कुछ बना बना है कहीं। हम जिसे जो इतनी पैदावार कर रहे हैं ना। अच्छा, इस समय में ये साल में ही हम अभी 9000 का सामा बेचे हम, यही हमारे कारखाना पर यही पर आवा शहद, ये शहद का बारदाना बोला जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो आपको लगता है कि मोटा अनाज खाने से कोई फायदा है? बहुत हमको तो बहुत फायदा, जैसे गैस है। हाँ हाँ, गैस ना बनती है। अच्छा, जो शुगर वाली बीमारी कही जाती है। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत फायदा है, जो सूजन शरीर में होती है। हाँ, ये बहुत फायदा है कि यह चीज खाओ। हाँ हाँ, ये चीज में तो शरीर में कोई बीमारी नहीं है। अरे वाह, मोटा अनाज शुगर में बहुत बड़ा फायदा। अच्छा,
और जैसे है कोई कोई विधि से तुम बना के खा सकते हो, तहाड़ी बना लो, खीर बना लो, लड्डू बना लो, कोई नमकीन बना लो, मतलब चाहे आप खिचड़ी की तरह बना के खाएं, चाहे तहरी की तरह, चाहे चावल की तरह, चाहे उबाल कर, चाहे मीठा, लेकिन आप हर तरीके से इसको बनाकर खा सकते हैं। खा सकते हैं, और जैसे सुबह सुबह कोई चीज में अत्ता बना दो तो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं तो उनका जैसे कुरकुरा आवत है, बिस्कुट है ये, तो इनका ना खाओ तो वही का वही मैं से बना दो खा लें लड़का, उनका वो बहुत फायदा करेगी। अच्छा, तो उसको कैसे बनाएंगे? नमकीन। अच्छा, नमकीन की तरह। जैसे रोटी बनाना है तो वह थोड़ा नमक डाल के यहाँ थोड़ा हल्के से गेहूँ का आटा डाल दे बना दो तेल पर। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब उसी तरह से जैसे हम बनाते हैं, आप इसको इसको भिगो कर बनाते होंगे, जो ये आपका ये चावल आपने तैयार किया है कोदो से, वो ये सब भिगो कर नहीं बना, हाँ नहीं जैसे अब हम डालने चले, तो ये सीधे सीधे आप बना सकते हैं। सीधे बना सकते हैं, वैसे जब जैसे वो चावल धुला जाता है, खाना बनाओ पहले धुला जाता है, जैसे इसको धुल लो, साफ कर लो, और बस सीधे आप चढ़ा दीजिए, बना लीजिए चावल की तरह। जी 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 जी, क्या शुभ नाम है आपका? तो किरण जी, आपको लगता है कि इसको खाने का कोई फायदा आपको लगा? पहले कैसे खाया जाता था? अच्छा, पहले चने के साग से मिला करके खाते होंगे, इसमें जैसे खीर बनाई जाती है तो इसमें 16-17 आटे पड़ते हैं, लौकी है, कद्दू है, टमाटर है, बैंगन है, इसमें हर चीज डाल के खा सकते हैं। अच्छा, आप लोग ये जैसे सावा या कोदो क्या हिसाब? कोकुन ये हम लोग 32 रुपए कुंटल तो उन्हें किसानों से हम खरीदते हैं, किसानों से व्यापारों से नहीं। एक जो सबसे बड़ी बात ये है कि आप किसानों को बीज उपलब्ध कराएं, और उनसे सरकार चूंकि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर की तरफ जा रही है, उसमें उनको ये प्रेरित करें कि वो इस तरह का अनाज उगाएं, और आप सीधे से उनसे वहां से उठाकर और इसी तरह का अपना सेटअप करके एक राष्ट्रीय बीज, ये तो ठीक है, लेकिन जैसे जो किसान इनको हम उपलब्ध नहीं करा रहे हैं उनसे हम किस रेट में ले रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं कि 32 रुपए कुंटल आप 3200 कोदो 2800 रुपए कुंटल नहीं 2800 रुपए कुंटल, और ये 3200 रुपए कुंटल सावा। और कोकुन काकुन सॉरी काकुन एक रेट है, मतलब सावा महंगा है, सावा 200 रुपए महंगा है सर, और काकुन और कोदो ये 200 रुपए सस्ती है। और सर इसमें ना मतलब 3000 रुपया कुंटल से लेकर 3200 रुपया कुंटल तक ये मिल जाता है, और फिर बाजार में बिक कितने तक सकता है? अच्छा, आप सीधे भेजते हैं? चावल ज्यादातर तो संगठन लिए है कि हम जितने दिन संगठन बच्चे और फिर जो नहीं तो वो कितने में बिक जाता है तो दिया जाता है। जैसे आप संगठन को भी देते होंगे तो एक आदमी प्रॉफिट तो सोचता है ना, तो प्रॉफिट संगठन के लिए संगठन जैसे मान लीजिए 3200 रुपया कुंटल आपने खरीदा है, और तो आप इसको कितने रुपए तक महत्तम बेच सकते हैं? हम लोग देखो संगठन लिए 100 रुपया किलो बिक रहा है चावल, 100 रुपया किलो का मतलब हो गया कि 1000 रुपए नहीं नहीं 1000 नहीं 10000 रुपए कुंटल, मतलब अगर आपका 3200 रुपया कुंटल आपने लिया है तो प्रोसेसिंग वो सब लगाने के बाद अगर 10000 बच रहा है तो निश्चित रूप से एक सरकार की तरफ से उद्यमीकरण के लिए स्वरोजगार के लिए एक ऐसी पहल है जिसमें आप एक अच्छी आय का साधन ढूंढ सकते हैं, और अच्छी तरीके से समाज को ना सिर्फ स्वास्थ्य की तरफ ले जा सकते हैं बल्कि अपने जीव को उपार्जन का भी रास्ता बहुत अच्छा ढूंढ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये जितने अनाज बताए जा रहे हैं, जो कल तक प्रतिबिंब इस बात के थे कि ये केवल गरीब लोगों के लिए हैं, गरीब खाते हैं, इससे भी अमीरी गरीबी जोड़कर देखी जाती थी, उन सारी बातों से सबसे बड़ी बात ये है कि स्वास्थ्य जिसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और ये मैं नहीं कह रहा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कहा गया है, WHO द्वारा कहा गया है, फिर देश के भारत सरकार द्वारा इस बात से कहा गया है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोटे अनाज की तरफ चलें, मोटा अनाज पैदा करें ताकि देश भी स्वस्थ बने, और जितने लोग हैं वो व्यवसाय अपना स्वयं करके
अपने ही घर में रहकर किसान को एक नई दिशा दें और कृषि को भी एक नई दिशा देते हुए समृद्ध भारत का निर्माण करें। एक भी इस परिप्रेक्ष्य में ये चीज जानना और जरूरी है कि जैसे एक क्विंटल जो कोदो आप खेत से किसान से लेते हैं उसमें कई किलो चावल निकलता है, मतलब जो फाइनल आप जो वो निकालते हैं अभी तो चार स्थितियों में कई किलो आता है। अभी देखो हमने एक क्विंटल कोदो अगर खरीदा है तो उसकी सफाई करेंगे तो 20 किलो उसमें फरहा निकलेगा, 20 किलो निकल जाता है, 80 किलो उसमें बैठता है, 80 किलो बचता है, 20 किलो 100% निकलना तो वही आपका चावल अपने आप 3200 में आपने एक क्विंटल लिया और ये निकला 80 किलो, तो रेट तो ऑटोमेटिक इस पे यही जम गया पहले, उसके बाद उसको बढ़ा के उधर बेचते हैं, बढ़ाने के लिए फिर हम पहले सफाई करते हैं, चारों के इस पे काम करते हैं, चारों मशीनों पे एक एक लोग काम करते हैं तो उनकी भी दिहाड़ी जाती है। दिहाड़ी कितनी दे रहे हैं, कम से कम मिनिमम कितनी देना पड़ता है? मिनिमम यहाँ 200 रुपया, 200 200 वो देते हैं और 3200 रुपया कुंटल खरीदा है तो 100 किलो में 80 किलो ही भूसी निकलती है, मतलब 80 किलो अनाज निकलता है 20 किलो भूसी निकल जाती है, भूसी नहीं हल्का अनाज जो हम जो हल्का फरहा के रूप में, अच्छा वो फरहा के रूप में वो भूसी नहीं है, भूसी नहीं है फरहा के रूप में निकलता है, उसके बाद हम भूसी निकलता है, 80 किलो में 40 किलो निकलता है चावल, आधा निकलता है 80 किलो में 40 किलो चावल, नहीं नहीं तो यानी एक क्विंटल में 40 किलो चावल निकला आपका जो वो आप फाइनल दिखा रहे हो। हाँ। तो आपका तो 6400 रुपए किलो क्विंटल पड़ा है लगभग, और ज्यादा हुआ 7000 रुपए करीब पड़ा, मतलब आपका कहना है कि 100 किलो में से 60 किलो आपका निकल जाता है फरहा और भूसी मिलाकर, केवल 40 किलो शुद्ध चावल आपके हाथ में आता है। भूसी का आपका क्या काम आता है? अभी तो प्रोसेस नहीं चल रहा है उसमें, कोई नहीं वो फेक यूज, अब जब चाल यूज होने लगा है कुछ लोग यूज करने लगे हैं भैंसियों के लिए, भैंस के लिए दाने वाने के लिए, ऐसे दाना के रूप में जैसे हम दाना बिहार में कहते हैं उसके रूप में ये कुछ लोग ले जाते हैं, खाने का कोई सामग्री नहीं बनती, सामग्री नहीं बनती। और ये सर ये 2.5 महीने की फसल है, लगभग 2.5 और 3 महीने की, और इसमें पानी वानी कुछ भी नहीं लगता, ना पानी लगेगा ना खाद लगेगी। जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें उभर के आई है, एक तो ये है कि पूरे साल में आप इसे कितनी बार हम इसे उगा सकते हैं? एक बार सर इसको दो बार हम उगा सकते हैं, क्योंकि गेहूँ काट ले सर, गेहूँ काटने के बाद हम पलेवा करके इसको बो दें, ठीक है, एक ही बार बोना पड़ेगा, मतलब अप्रैल में जब गेहूँ हम काट ले मार्च अप्रैल में तो फिर हम इसे बो सकते हैं, बो सकते हैं, पलेवा करके बो दें, इसमें एक या दो पानी लगेंगे तब पानी गिरता नहीं, ठीक है, इसके बाद जब तैयार हो जाए 2.5 महीने में इसके ऊपर ऊपर बाली काट लें या खाले से काट लें, एक चार अंगुल छोड़ दें, उसके बाद पानी लगा दीजिए पूरा, फिर तैयार उसी तरीके से हो जाएगा, अच्छा बोला नहीं पड़ेगा। ये गन्ने की तरह है कि एक बार काट लिया गन्ना दोबारा फिर उगाएगा, ऐसे मोटा अनाज भी है कि जिस मोटे अनाज को हम एक बार उगाएगा, बाकी काम फुल तो ये नहीं उगेगा, अच्छा ये केवल सावा के लिए सही है, हाँ। कि सावा को एक बार बोने के बाद दोबारा भी उगाया जा सकता है उसी से यानी फिर अगर भाई 2.5 महीना वो फसल फिर छोड़ देंगे, हाँ। यानी 2.5-2.5-5 महीने की दो बार फसल हो गई, दो बार फसल लगातार उसमें, मतलब चीज को तुमको करना कुछ नहीं करना, छटाक भर पास नहीं कीटनाशक डालना, अच्छा इसमें कोई कीटनाशक का भी कोदो हो गया, सावा हो गया, काकुल हो गया, यहाँ पे तीन ही है, यहाँ तीन ही है। सबसे बड़ी चीज है कि इसमें किसी कीटनाशक का उपयोग नहीं होता है, पानी न्यूनतम स्तर पर यूज होता है, 2.5 महीने में इसको उगाया जा सकता है, और सबसे बड़ी चीज है कि इसे बून क्रॉप के रूप में देखा जा सकता है कि हम जब गेहूं उगा लें और हमारा खेत खाली पड़ा है उस समय पे हम मोटा अनाज उगा लें, ये आपके मतलब आषाढ़ तक दोनों फसलें कट के तैयार हो जाए। और जो सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई कि जो आप 100 किलो खरीद रहे हैं और 100 किलो के बाद उसमें से फरहा और भूसी निकालने के बाद 40 किलो अनाज हमें प्योर प्राप्त होता है, जिसे ये चावल कहते हैं कोदो चावल, उस चावल को ये 100 रुपया किलो के हिसाब से बेचते हैं, मतलब 4000 रुपये कुंटल तब इनको ये पड़ता है, और इन्होंने 3200 खरीदा तो 800 रुपया तो सीधे सीधे इनको वो फ़ायदा होता है। इसके अतिरिक्त जो फरहा निकला, फरहा का क्या करते हैं? फरहा का अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, दाने के लिए जो हम छोटे यानी छोटे हम ही लोग अभी पिसा के खवा देते हैं अपने जानवरों को, 10-15 रुपए में बिक्री कर देते हैं। तो जो फरहा होता है उसको, चूंकि वो भी 40 किलो निकलता है, उसका भी उपयोग ये है कि ज़्यादातर
अभी तो उस तरफ इतना रुझान नहीं है, लेकिन अब लोगों ने उस तरफ रुझान दिखाना शुरू किया है, तो करीब 15 रुपये किलो के हिसाब से फराहा हो जाता है। और उसके बाद भूसी भी होती है, उस भूसी का भी बहुत उपयोग किया जा सकता है। जितना मेरा ज्ञान है, उस भूसी को मिट्टी से मिलाकर बहुत से ऐसे आइटम बनाए जा सकते हैं, टेरिकोटा के बनाए जा सकते हैं, घर निर्माण में उनका ऐसा उपयोग किया जा सकता है जो एडहेसिव का काम करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि अभी मोटा अनाज भारत जैसे देश में शैशवावस्था में है। वैसे शैशवावस्था में आज है, हमेशा से मोटा अनाज खाया जाता रहा है। और जैसा किरण जी ने अभी हम लोगों को बताया भी था कि बचपन में उन्होंने बहुत सा ऐसा खाया है, लेकिन आज जब चूंकि दौर फिर बीमारी का, तब ये कूटा जाता था घर पे। इसमें भूसी सात होती है, उसमें केवल एक भूसी होती, सावा में जो भूसी होती है इसमें सात भूसी होती है, इसमें भूसी सात होती है। अच्छा, एक भूसी नहीं इसमें होती, ये अगर चार बार कूटा जाए वो दो बार कूटा जाए, इतना फर्क है। तब मतलब ये जो सावा है ये सात बार कूटना पड़ेगा, इसमें सात भूसी होती है। अच्छा, भूसी जो ये कहते हैं निकलती है, इसमें सात भूसी होती है सर, तब चावल निकलता है इसका। अच्छा जी हाँ, और इसमें दो, क्योंकि हमारा तो हमारा जो हाथ पाए एक दफा गिर जाए तो कितना ना है, जो छोटा बालक अगर कहीं अगर सड़क पर अफेयर लग रहे हैं टूट जाते हैं, अगर यही का उपयोग करा लगा तो यही के लिए तो बहुत मजबूत शरीर, जितने भी आप दर्द है मतलब कोदो खाने से शरीर की हड्डियां टूटने से बचाया जा सकता है, और अगर शरीर में कहीं भी कोई दर्द हो रहा है तो उस दर्द, आपका नाम क्या है? चंद्रावती जी, ये देखिए हमारे साथ हैं, और उनका ये कहना है, और उनका चूंकि वो ग्रामीण महिला हैं, कि जो ये कोदो आप मेरे सामने नीचे देख रहे हैं, ये ना सिर्फ शरीर के हर तरह के दर्द को ख़त्म करने बल्कि हड्डियों को मजबूत करने, जो कि आजकल बच्चे खेलने में जिस तरह से उनकी हड्डियाँ टूटती हैं, उन सब से निजात दिला सकता है। इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि जो हमारे साथ जहाँ पर हम सभी लोग हैं और हम ये देख रहे हैं, और आपको आइए मैं बाहर दिखाता हूँ कि ये देखिए ये मोटे अनाज से निकलने वाली ये भूसी है। ये आज मैंने सेहत का बारदाना प्रोसेसिंग यूनिट पीपरी अर्थापुर मिश्रिख का दौरा किया, और यहाँ पर मैंने इसको जानने का प्रयास किया कि आखिर सरकार द्वारा ये चलाई जा रही योजना में क्यों किसी भारतीय को मोटा अनाज उत्पादन के लिए आगे आना चाहिए, और उससे उसको फ़ायदा क्या हो रहा है। और इस फायदे को समझने के लिए आज मैं अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से यहाँ आया और इसको समझा है। आप सभी को भी सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, और यह उम्मीद करता हूँ कि मोटे अनाज का ये जो छोटा सा मैंने आपको इतिहास बताया, ये इतिहास निश्चित रूप से आपको आगे आने वाले समय में न सिर्फ स्वस्थ भारत के लिए प्रेरित करेगा बल्कि एक स्वस्थ जीवन भी देगा। अच्छा, जो ये मशीन लगी है जिसमें साइज ग्रेडर लिखा है, ये किस काम आती है? ये वहाँ से कोट करके, वहाँ से कोट करके जो आता है। अच्छा, इसमें आप ये देख रहे हैं कि इसमें साफ साफ लिखा है एस्पिरेटर। इसके अंदर जब पहली बार अनाज लाया जाता है तो डाला जाता है, इसमें ये साफ होता है। जब इसमें इस मशीन में अनाज साफ हो जाता है, जो भी उसमें कीड़ा कबाड़ा होता है वो साफ हो जाता है, फिर उसके बाद ये सामने आप देख रहे हैं ये साइज ग्रेडर है। साइज ग्रेडर में क्या किया जाता है, बड़ा वाला कूड़ा है, मिट्टी है, बड़ा कूड़ा है, वो उसमें निकल जाता है, बढ़िया अनाज खा जाता है। ये साइज ग्रेडर में जो बड़े कंकड़ पत्थर या कोई ऐसी चीजें हैं जो मिट्टी के ढेले हैं, उन सभी चीजों को यह मशीन अलग कर देती है, और अनाज ये आप देख रहे हैं सामने ये इसमें आ जाता है। हाँ, बड़ा कूड़ा मैं समझ गया, अच्छा नहीं तो ये कैसे इसके अंदर जाता है? फिर उसके बाद इसमें आता है, फरहानी का साजा था, अच्छा ना तो पीछे जाता
तीन चार बार ऐसे ही करते हैं तो अंत में फराहा बचता है और वो बाहर चला जाता है। अच्छा ठीक, और वो पीछे जो है वो चावल आएगा, चावल बढ़िया हाँ 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 ठीक है मैं समझ। ठीक है ये है कोदो, किसमें कुटा जाता है फिर इसमें डालते हैं। अच्छा या कुटा कुटा है तब फिर कुटी क्या तब फिर उसी में मसे साइड में रख जाते हैं। अच्छा तब फिर उसमें जो किनकी मतलब किनकी लगा के निकल जाती है बढ़िया चावल ऊपर आ जाता है दलिया जिसको बोलते हो लग जाते हैं डिस्टोनर जाते हैं डिस्टोनर बढ़िया चावल वैसे निकल जाते हैं और जो अनाज मिला हो वैसे घर आ जाते हैं फिर जब बढ़िया चावल आ जाते हैं तब सबसे इतना बेस्ट चावल निकल जाता है मैं डॉक्टर आलोक शांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन के लिए नमस्कार।